हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजा तुलना एक्सपेरिमेंट। तो आज हम प्रोटेक्ट एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे। ये एम्पलीफायर है, ठीक है, इसमें फॉल्ट हो रहा है और ये ओरिजिनल एम्पलीफायर में दिखाऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। और गर्मी काफ़ी हो रही है, आप लोगों को दिख ही रही होगी मेहनत यार, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए छोटे भाई को। तो ये है अपना एम्पलीफायर, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा मैं पहचान वगैरह बता देता हूँ प्रोटेक्ट का एम्पलीफायर किस तरीके का होता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग होता है, चलो अब इसको, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग होती है इस एम्पलीफायर और क्वालिटी भी बढ़िया होती है। तो मैं इसमें फॉल्ट दिखा देता हूँ क्या फॉल्ट है। यहाँ मैंने एम्पलीफायर जो है सीरीज में लगा देता हूँ, ठीक है, और सीरीज में लगाने के बाद एम्पलीफायर का स्विच सॉकेट ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एम्पलीफायर जो है फॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी जो 500 वाट का मैंने सीरीज लगाया है, हालांकि 250 वाट लगाना चाहिए, मैं 500 वाट ही लगाता हूँ जब भी लगाता हूँ। तो ये मतलब जो है अपने जो है बल्ब जल जा रहा है, 500 वाट की जो हैलोजन है वो जल जा रही है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, ज़्यादातर एम्पलीफायर जो है जो चैनल होता है इसके वायर हटाना पड़ते हैं अपने लोगों को, ठीक है। इस कंडीशन में या तो चैनल में फॉल्ट होता है, ठीक है, चैनल में 100% फॉल्ट होगा ही होगा, क्योंकि तभी इससे आगे प्रोसेसिंग होगा। अगर फिर भी ये दिक्कत होता तो आगे देखते हैं, पहले चैनल के वायर हटा के देखते हैं। हम दोनों, हमने जो इनपुट होता है वो वाले वायर हटा दिए, अब यहाँ पर फिर से लगा दिए और फिर ऑन करता है। फिर ऑन करने के बाद भी हमारी लाइट जो है जल रही है, तो इसका मतलब है अभी जो है हमें आगे इसके काम करने हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ब्रिज इलेक्ट्रीफायर भी शॉर्ट हो या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अभी मैं करता क्या हूँ, जो मतलब यहाँ न्यूट्रल आ रहा है, जो मतलब ट्रांसफार्मर का जो जीरो बनता है उसको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का दूसरा वाला वायर हटा देता हूँ, ठीक है। इससे होता क्या है, अभी ब्रिज इलेक्ट्रीफायर काम तो करेंगे लेकिन प्रॉपर इसमें आधा सीरीज काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया, एम्पलीफायर जो है ऑन हो गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर ऑन हो गया है यहाँ पर, ठीक है, चैनल के भी वायर हटे हुए हैं अभी, तो इस तरीके से देख लीजिए। बट हाँ, अभी ऑन हो गया एम्पलीफायर, तो यहाँ पर कैपेसिटर आपके चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये कहूँगा कि एम्पलीफायर का जो चार्जिंग है वो हटा दीजिए प्लीज़, आप शॉर्ट कर दीजिए या तो, या फिर कुछ उसमें बल्ब वगैरह लगा लीजिए। तो मेन परिपथ क्या है, अभी हमारे ब्रिज इलेक्ट्रीफाइड भी ठीक है, अभी हमारा भरोसा हो गया है। तो यहाँ पर हम खोलते हैं अभी अपनी कैपेसिटर, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो ऊपर से भाई फटे हुए नहीं लग रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लग रहे हैं, फिर भी ये कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी खोल लेते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर डबल फेस पे बता रहे हैं उड़ गया है, तो खोल लेते हैं क्या दिक्कत है। तो बैक साइड में देखिए कुछ भी दिख नहीं रहा फटा हुआ, बट यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, ठीक, इस तरीके से देख लिए, वो वाला प्लेन है, ये वाला थोड़ा फूला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक, ये वाला फूला हुआ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में होता क्या है भाई, कि यहाँ पर अभी हम निकाल देते हैं, रिक्स नहीं लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी होता है कि फॉल्ट करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। तो अभी मैं बताऊँ, इसको निकाल लेते हैं सिंपली। और भाई जो हमारी जो आप लोग 200 वाट स्पीकर 15 इंच मिड रेंज पर मांग रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ वो 100 लाइक का पूरा कीजिए, मैं आपके 100% वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ 11 ही लाइक रह गए, उसको भी कम्प्लीट की दीजिए, उस वीडियोस का 100 लाइक कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका प्लीज़ में सपोर्ट कीजिए भाई, छोटे भाई को मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। ये हमने निकाल दिया इसका कैपेसिटर, जो कि है 100 वाट और 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये छोटा है, लेकिन वोल्टेज वगैरह सारा ही सेम है, ये अलग कंपनी का है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज वगैरह सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड में ब्लैक है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं, ताकि लंबी ना हो। तो भाई, तो वीडियो स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सोल्डरिंग वगैरह कर देते हैं बढ़िया तरीके से, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ एम्पलीफायर रिपेयरिंग से, लेकिन ये काफ़ी 100% ओरिजिनल एम्पलीफायर है। इसकी साउंड टेस्टिंग भी कराएंगे लास्ट में, लेकिन छोटे मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है पड़ोस में, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पर मतलब आवाज़ वगैरह आए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो है रोड पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है, प्रोफेशनल जगह वीडियो बनाता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए सॉरी कोई भी नहीं है। तो अभी हमने एम्पलीफायर के जो मतलब अपना चैनल है उसके वायर हटा रखे हैं, तो यहाँ से करते हैं ऑन। तो भाई हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, ठीक है। हमने बीच वाला वायर भी अपना लगा दिया, जो जो हटाए थे हमने वो वायर लगा दिए। आप लोग देख सकते हैं फ़ैन भी हमारा चालू हो गया। तो अभी हमारा सब कुछ ओके है, तो इस कंडीशन में अभी एम्पलीफायर ऑन ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो टेनिस्ट जो है हमारा, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी करंट रह जाता है। इस करंट से हमें बहुत दिक्कत भी हो सकती है, हमारे हाथ में मतलब होल भी हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर माउस पिट चेक करते हैं, टेनिस्टर जो भी टेनिस्टर है, ठीक है, 1943-5200 टेनिस्टर चेक करते हैं अपन। तो टेनिस्टर चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक दो स्टेंस यहाँ पर शॉर्ट लग रहे हैं आमने सामने, यहाँ पर वही मुझे शॉर्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए अलग से मतलब शोर आ रहा थोड़ा, ये बीप आपको सुनाई दे शॉर्टेज का, ठीक है, इसीलिए मैंने दिया है। तो हमारा ये देख सकते हैं एक ये और ये, यहाँ पर देख सकते हैं आमने सामने जो हमारे टेनिस्टर उड़े हुए हैं 1943-5200, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये उड़ गए हैं हमारे। तो अभी हम करेंगे क्या, इसको सिंपली हम चेंज करेंगे। हमारा जो है हमारा रेजिस्टेंस भी है वो भी उड़ गई है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेंगे, ब्लैक भी पड़ गई हैं आपको देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी बीप नहीं कर रही हैं, अभी हमें निकाल के भी चेक करेंगे संतुष्टि के लिए। अभी रेजिस्टेंस को हमने निकाल लिया है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। एक 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस बनती है और दोनों रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। सिंपली यहाँ पर हम वायर अपना जो मीटर है उसको लगाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। आपके पास 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस हो तो वो भी लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पर वैल्यू चेक करके रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बताऊंगा कैसे लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हमारी रेजिस्टेंस ख़राब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये वाली रेजिस्टेंस हमारी ठीक है, और ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेक करना बताऊँगा कि आपको कैसे वैल्यू चेक करना है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है और एजेंट पर काम चलाना है तो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस यहाँ पर मैंने यहाँ पर 200 ओम पे सेट कर रखा है इसको, और इसकी 1.4 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है अपने 1.5 है, 1% का ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन अभी क्या करते हैं, जो माउस टेनिस्टर हमारे उड़े हुए हैं वो उसको साइड में निकाल देते हैं और ये नए वाले लगा देते हैं। भाई ध्यान रखना है आपको 1943 किस साइड में लगाए, 5200 किस साइड में लगाए, ठीक है। और इसके बाद लगाने के बाद इसके बाद स्क्रू कस देते हैं हम, और स्क्रू कसने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सिंपली सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए सोल्डरिंग भाई हिसाब किताब से करना है आपको, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ भाई एम्पलीफायर में ध्यान रखना है, ये तो देसी एम्पलीफायर है, ठीक है। माउसपैड एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी भाई चीज़ तो चीज़ ही है, इसको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने सोल्डरिंग कर दी थोड़ी, वीडियो उससे फास्ट कर दी है। देखिए जो काम की चीज़ है मैं वो चीज़ फास्ट नहीं करता हूँ, वो चीज़ आपको क्लियरली बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमने ये वाले रेजिस्टेंस से निकाल देता हूँ और सिंपली इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपनी जो 5 वाट की रेजिस्टेंस है इसको लगा देता हूँ सिंपली। तो काफ़ी जैसे कि एम्पलीफायर स्पीकर वीडियोस की काफ़ी मतलब लाइक शेयर आ रहे हैं भाई, इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए छोटे भाई को। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस मैंने एक लगा दी भाई, सोल्डरिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है आपको, कोई भी सोल्डरिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बचत नहीं करनी सोल्डरिंग में, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेजिस्टेंस लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम अपन ऑन करते हैं और हेडफोन यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ऑन करते हैं कि हमारे चैनल में और कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं वायर लगा देता हूँ चैनल के जो वायर थे हमारे, ठीक है। वायरिंग अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, वायरिंग के लिए। तो अभी हम यहाँ पर एम्पलीफायर ऑन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं टेस्टिंग।